नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सुबह के 11 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे सावन के पहले सोमवार की महिमा। हम आपको लिए जाएंगे देश के शिव मंदिरों में, जहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं 5 मिनट में देश की बाढ़, बारिश और रेस्क्यू से जुड़ी 25 खबरें। मंडी के थुनाग में बादल फटने से तबाही, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई बाढ़। 11 ताश के पत्तों की तरह गिरे, लोगों की चीख पुकार के बीच पहाड़ी। मंडी में पंडोह का लाल पुल टूट गया, पानी के तेज बहाव के चलते नहीं सह पाया पुल, पंडोह बाजार हुआ पानी पानी। मंडी में भारी बारिश के बाद पुराना पुल और पंचर ढहा, बारिश से तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बाढ़ दरकने का सिलसिला लगातार जारी, एक कार सवार की मौत। कांगड़ा में आई आसमानी आफत, नदी घाटी में आई तबाही वाली बाढ़। कांगड़ा घाटी में भारी बारिश के जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर में सड़कों पर भर गया पानी। कुल्लू में भारी बारिश से पर्वती नदी में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की बड़ी मुसीबतें। कुल्लू के मनरमिंदर इलाके में ट्रक यूनियन पर बाढ़ का कहर, सैलाब में 4 ट्रक बहे। कुल्लू के कसोल में आई भयभीत कर देने वाली तस्वीरें, भारी बारिश के बाद कसोल के साथ बहने वाले नाली में अचानक आई बाढ़। शिमला में आई आफत भरी बारिश, 3 हाईवे सहित 736 सड़कें बंद। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से खैर, प्रदेश के सभी 13 जिलों में 13 जुलाई तक ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी। देहरादून में लगातार बारिश का खैर जारी, उत्तराखंड में 3 नेशनल हाईवे और 10 स्टेट हाईवे बंद। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद, नैनीताल अल्मोड़ा उत्तरकाशी में सभी स्कूल बंद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धारचूला सीमा क्षेत्र में काली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लोगों को सजग रहने की अपील। बागेश्वर में भारी बारिश लगातार जारी, लैंडस्लाइड से 6 सड़कें बंद, सरयू और गोमती समेत सभी नदियों में बाढ़ जैसे हालात। बागेश्वर में अगले 3 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी, जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों को बंद करने के आदेश दिए। विकासनगर में आए सैलाब में फंसी सवारियों से भरी बस, लोगों ने बस की छत से कूदकर बचाई अपनी जान। जालौर में बवरजा तूफान के बाद एक बार फिर से भर गया शहर में पानी, बाढ़ जैसे हालात। पौड़ी में हो रही भारी बारिश के चलते श्रीनगर अलकनंदा का बढ़ गया जल स्तर। पंजाब के फजिलका में भारी बारिश से कई एकड़ फसल हो गई बर्बाद, रोपड़ से भी आया बाढ़ जैसा वीडियो सामने। तरन तारण में भारी बारिश के कारण एक पुल ढह गया, किसानों की फसलों को हुआ भारी नुकसान। जमशेदपुर के कई इलाके भारी बारिश की चपेट में, पानी में डूब गया घर, जनजीवन अस्त व्यस्त। फरीदकोट के कई गांव पानी में डूब गए, करीब 71 mm बारिश ने बिगाड़ दिए किसानों को। दिल्ली में आसमानी आफत लगातार जारी, मूसलाधार बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, शहर में दिखा सिर्फ पानी।